सुपौल में त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के चिलौनी नदी पर बना डायवर्जन देर शाम धराशायी हो गया। ये डायवर्जन मछहा, कुशहा सहित दर्जनों गांवों में आवाजाही का एकमात्र जरिया था। सुपौल के अलावा मधेपुरा जिले के भी कई गांवों के लोगों की आवाजाही का जरिया भी यही डायवर्जन था। इस डायवर्जन को 6 महीने से 29 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन इसके इस तरह से ध्वस्त हो जाने से डायवर्जन की क्वालिटी पर सवाल उठने लगा है। स्थानीय निवासियों ने सरकार के सुशासन के दावों पर भी सवाल उठाया। ये डायवर्सन 6 महीना पहले बना था 29 लाख की लागत से और अभी वो बह चुका है। ये है सुशासन राज का खेल, इसे कहते हैं सुशासन राज में लूट खसोट। ये दो जिलों को जोड़ती है, सुपौल और मधेपुरा जिला। इसमें हमको लगता है मछा कुसहा और जोगिया चाही लाखों की आबादी है जिसका मुख्य रास्ता यही है। डायवर्जन के टूटने से बड़ी आबादी को समस्या से जूझना पड़ रहा है। जो जितनी घनी आबादी है मछा कुसहा, उसके बाद जोगिया चाही, क्या कहते हैं, उधर मधेपुरा जिला से भी संपर्क था, इसमें वो जो बह गया, आदमी को आने में कठिनाई है, जो कि मार्केट आना जाना भी बंद हो। 29 लाख रुपए की लागत से महज 6 महीने पहले बने इस डायवर्जन का बहना एक सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि डायवर्जन के साथ सरकार की साख भी बह गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा की रिपोर्ट।